हूँ आपके साथ अमन चोपड़ा। माँ सरयू जो है हमारे पास बह रही है, कलकल बहती सरयू, और मनोज मुंतशिर जी हमको नजर आए यहाँ अयोध्या में, राम की पैड़ी पर हमने पकड़ लिया, चेहरे पर मुस्कान देखिए। आइए सरयू में आचमन के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, क्योंकि देख प्रणाम करते हैं पहले जी। तो माँ सरयू को प्रणाम के साथ, क्योंकि शुभ मुहूर्त जो है वो बस चंद घंटों दूर है, चंद घंटों के दूर के बाद प्रभु राम वहां पर विराजमान होने जा रहे हैं। मनोज मुंतशिर हमारे साथ हैं, क्योंकि अब शायद तीन दिन का और इंतजार मनोज भाई, 19 सिर्फ तीन दिन यहीं बैठते ना, चलिए। हाँ हाँ, इससे अच्छी जगह, इससे अच्छी जगह क्या है, माँ सरयू के तट पर नगरी है अयोध्या की, सरयू का किनारा है जी। मेरे राम लला हर दिन तेरा ही नजारा है, तेरा ही नजारा। अब तो दिन आ गया, सिर्फ तीन दिन बचे। क्या भाव है, क्या अनुभूति है, मुझे बताइए आज। मतलब ये तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, माँ सरयू के पास किनारे बैठकर रामलला की चर्चा और प्रभु राम मंदिर बनने की चर्चा, सोचा था कभी मनोज भाई हो पाएगा? हमारे पूर्वजों ने अमन सिर्फ टूटते हुए मंदिर देखे हैं। मैं और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने रामलला का मंदिर आकाश चूम रहा है। मैं समझता हूँ शायद हम वरद पुत्र हैं ईश्वर के, कि हमें ये वरदान देके भेजा कि जाओ तुम्हारे सामने मंदिर बनेगा। हमने 500 साल प्रतीक्षा की है, इस दिन की एक दो दिन की बात नहीं है, 500 साल प्रतीक्षा की। 76 बार हमने युद्ध लड़े हैं अपने राम मंदिर के लिए, इसी राम मंदिर के लिए 76 times। हमारी 70 पीढ़ियां मीर बाकी जैसे दरिंदों की गर्दन पे तलवार रख के खड़ी हो गई कि हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, पर तुमको मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाने देंगे। क्या क्या सहा है हमने इसी सरयू के तट पे। हमने देखा है 1990 में राजनीति का गोला बारूद कारसेवकों के बदन में उतार दिया गया, यही देखा है हमने। मुझे बताया संतों ने कि खून से लाल थी सरयू, यही वो सरयू का तट था। आप सोचें कि 90 में जिस तरह से ओछी तुष्टिकरण की राजनीति को हमने सहा, हमने बर्दाश्त किया, उसके बाद कितना कठिन रहा होगा कि 1992 में फिर से कारसेवक आए, फिर से धर्म ध्वजा लेकर आए, और फिर से उन्होंने धर्म युद्ध छोड़ा, फिर से संकल्प लिया कि हम यहाँ मंदिर बनाएंगे, कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन यही बात है, अब आज जब मैं और आप यहाँ खड़े हैं ना, तो मुझे कई महापुरुष याद आते हैं जिनके बारे में बात किए बिना मेरा और आपका संकल्प अधूरा रह जाएगा। मुझे याद आते हैं श्रद्धेय श्री कल्याण सिंह जी, सत्ता के सिंहासन से नीचे उतर गए लेकिन कार सेवकों को, राम भक्तों को गुंबद पर चढ़ाकर ही माने। मुझे याद आते हैं आदरणीय श्री अशोक सिंघल जी, यही सरयू के तट पे खड़े होकर उन्होंने कह दिया था राम भक्तों से कि आज भले सरयू का पानी तुम्हारे रक्त से लाल हो जाए लेकिन रामलला को पीठ दिखा के वापस मत लौटना। मुझे याद आते हैं मराठा शेर बाला साहब ठाकरे, उनसे पूछा गया अरे ठाकरे साहब सुना है ढांचा गिराने में आपका भी हाथ था? शेर दहाड़ के बोला हाथ नहीं था मेरा पैर था, लात मार के गिरा दिया बाबर का घमंड। लेकिन बाला साहब ठाकरे की पार्टी के ही जो अनुयायी है वो कहते हैं कि मंदिर तो वहां बन ही नहीं रहा। आपने बाला साहब ठाकरे का जिक्र किया, मुझे पता है राजनीतिक चर्चा आपसे नहीं करना भाई, जय श्री राम, सब ठीक, जय श्री राम। मनोज मुंतशिर है, मनोज भाई वो बाला साहब ठाक, जय जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम। तो मनोज भाई आपने बाला साहब ठाकरे का जिक्र किया, अब बाला साहब ठाकरे के ही बड़े अनुयायी संजय राउत वो तो कह रहे हैं कि जहां रामलला विराजमान, जो प्रभु राम का मूल जनस्थान है, वहां मंदिर बन ही नहीं रहा है। ये भगवान श्री राम के हाथ से छूटे हुए लोग हैं अमन। जब समुद्र सेतु बन रहा था और बड़े बड़े भालू वानर सब समुद्र में चट्टाने डाल रहे थे, तो भगवान श्री राम ने सोचा अच्छा एक काम करते हैं, अगर नल नील के फेंके हुए पत्थर पानी में तैर सकते हैं तो एक पत्थर मैं भी डालता हूँ, शायद तैर जाए। भगवान श्री राम ने समुद्र में एक पत्थर डाला, वो डूब गया, भगवान उदास हो गए। जब हनुमान जी ने उनको उदास देखा तो कहा प्रभु उदास न हो, जो आपके हाथ से छूटेगा वो तो डूब ही जाएगा। तो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो रामलला के हाथ से छूटे हुए लोग हैं, डूबे हुए लोग हैं। इतने बड़े चैनल पे इतनी खुशी के दिन क्यों उनकी चर्चा की जाए। लेकिन आपका एक भजन है, वैसे तो मैं जब आपसे बात करता हूँ मुझे याद आता है कि आज के समय में जितने भी प्रभु राम को लेकर संभवतः भजन है टॉप में जी, ये 7, 8, 10, 15 कोई भी आपके जहन में आते हैं, हम राम को लाए हैं से लेकर सारे सब आपके द्वारा रचित है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि भगवान श्री राम ने मुझसे लिखाया, चाहे राम से राम हो, जय श्री राम हो, राम आएंगे, नगरी है अयोध्या की,
बहुत सारे भजन। ये वाला भजन बदलना पड़ेगा प्रभु, राम आएंगे। अब तो राम आ गए, अब तो बदलना पड़ेगा आपको। अब तो राम आ गए। हाँ। और राम आ गए और ऐसे आए हैं कि हम देख रहे हैं, कुछ लोग थोड़े दिनों पहले तक मजाक में कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर भैया डेट नहीं बताएंगे। हाँ। बता दी हमने डेट, क्या है डेट आप बताएं? अरे 22 जनवरी भाई। डेट क्या है भाई? अच्छा अरुण मुस्कुरा रहे हैं सामने से, अरुण कुमार सिंह मेरे सहयोगी। अरुण भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या मनोज मुंतशिर से? मनोज भाई से तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए आप तो फिल्मों वाले आदमी हैं, आप धर्म कर्म में अब आ गए हैं, तो अब आ ही गए हैं तो आगे का आपका एजेंडा क्या है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से आपके धार्मिक भजन सुने जा रहे हैं और जो बोल आप लिखते हैं उसको तो कोई काट नहीं सकता, तो आगे क्या आप राम को लेकर के, कृष्ण को लेकर के और ज्यादा इस तरह के भजन रचेंगे? जो क्योंकि हम देखते हैं अनूप जलोटा ही साहब चल रहे थे बहुत सालों से, अब आपने उनकी जगह अनूप कर लिए। अनूप जी हमारे पूज्य हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनसे मेरा कोई मुकाबला नहीं है, बहुत आगे हैं। लेकिन एक चीज है कि राम और राष्ट्र, ये दोनों विषय मेरे हृदय के बहुत करीब हैं, इन दोनों विषयों पर मैं लिखता रहूंगा, हमेशा लिखता रहूंगा। अभी कोई नया प्रोजेक्ट है क्या? अभी एक से एक प्रोजेक्ट से और भैया प्रोजेक्ट। आप अयोध्या पे ज्यादा दिन खुश ना हो। हाँ। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अच्छा जब अरुण, जब हम मनोज भाई को सुनते हैं ना, माफ करिएगा मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ, उसका आपको तो रामद्रोही घोषित कर दिया गया था। मतलब मैं वो सवाल लाना नहीं चाह रहा था। हाँ। आपको एक समय में रामद्रोही घोषित कर दिया था, और आज अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपका कैलेंडर भरा पड़ा होगा, आपसे टाइम लेना मुश्किल होगा कि प्रभु राम के लिए, राम के न्योते से लेकर, और हर कोई आपको अपने मंच पर बुलाना चाह रहा है, ये बदलाव कैसे हो गया? एक समय में रामद्रोही घोषित कर दिया था। कुछ बदलाव नहीं हुआ, जिन्होंने रामद्रोही घोषित किया था उसमें से बहुत सारे लोग एजेंडा से प्रेरित थे, और कुछ ऐसे थे जो मुझसे सचमुच नाराज थे। जो सचमुच नाराज थे उनके आगे सर झुका के, शीश नवा के मैंने क्षमा मांगी कि मुझसे गलती हुई, मुझे आप क्षमा करें, लेकिन श्री राम का आदेश है कि मैं राम के पथ पे आगे बढ़ता जाऊं, रुकूं नहीं। अब अगर आप आदेश दें तो मैं लिखूं, आप कहें तो ना लिखूं। इस देश की जनता ने कहा मनोज मुंतशिर लिखो, और मैं लिख रहा हूं। अच्छा आप ये ग्लोरीफाइड डकैतों पर भी बहुत लिखते हैं। ग्लोरीफाइड डकैत ये शब्द जो है मनोज मुंतशिर द्वारा दिया गया, ये आक्रांता, आक्रमणकारी, मुगल आक्रांता जितने भी रहे उन्हीं में से एक, सबका जो है मेन आदमी जो है, कह दीजिए सरगना, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना मुगल आक्रांता बाबर, ग्लोरीफाइड डकैत। अब ये बाबर प्रेमियों का क्या होगा? फिर बाबर प्रेमियों का क्या होगा प्रश्न ये नहीं है, बाबर प्रेमियों का क्या हो चुका है ये देखिए। बाबर प्रेमी धूल धूसरित हो चुके हैं। इस देश में यह सिद्ध हो चुका है कि अगर इस्लाम है तो हमें दारा शिकोह का इस्लाम स्वीकार है, बहुत सुंदर, लेकिन हमें बाबर का इस्लाम स्वीकार नहीं है, हमको औरंगजेब का इस्लाम स्वीकार नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो फिर क्या होगा? फिर जय श्री राम, फिर क्या होगा बाबर प्रेमियों का बताइए मनोज भाई। अभी अभी जो जो हो रहा है मंदिर निर्माण, 22 तारीख 22 जनवरी के बाद कहा जा रहा है कि कलयुग में त्रेता युग का श्री गणेश होने जा रहा है, तो फिर राम राज्य में त्रेता युग में बाबर प्रेमी कहाँ जाएंगे? अच्छा ये बात है, ये बहुत ये बार बार कहते हैं ये बाबर प्रेमी, बड़े बड़े चैनल्स पे बैठ के बात करते हैं कि देखो ये कितने पिछड़े हुए लोग हैं कि आज हम मंगल पे जीवन खोज रहे हैं और ये सनातनी ये 7,500 साल पुरानी ये कहानी दोहरा रहे हैं। उन बाबर प्रेमियों से मैं कहना चाहता हूँ कि भैया आज आप मंगल पे जीवन खोज रहे हैं, भगवान श्री राम ने 7,500 वर्ष पहले जीवन में मंगल खोज लिया था, अब बताओ तुम बैकवर्ड के हम। बहुत सुंदर, लेकिन राजनीतिक इवेंट बना दिया, ये भी आरोप लगते हैं मनोज। ये कोई राजनीतिक इवेंट नहीं है, ये सांस्कृतिक इवेंट है, और मैं समझता हूँ कि ये संस्कृति का विजय दिवस है। हर तरह की जितनी भी हमारे बीच में दीवारें हैं, वो चाहे धर्म की दीवारें हों, राजनीति की दीवारें हों, सोच की दीवारें हों, विचार की दीवारें हों, धारणा की दीवारें हों, आदर्शों की दीवारें हों, सारी दीवारें गिरा के रामलला का स्वागत करना चाहिए। जो नहीं कर रहा उसका दुर्भाग्य है, और मुझे उस पर सिर्फ दया आती है अमन जी, और कोई भावना मेरे मन में नहीं। दया आती है। मैं अगला सवाल आपसे लूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महानुष्ठान पर है, बताया गया कि वो चौकी पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं, वो सिर्फ नारियल पानी का सेवन कर रहे हैं, चौकी पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं, महाअनुष्ठान पर हैं, कभी नासिक तो कभी जटायु जी महाराज के मंदिर जा रहे हैं लगातार, उसको लेकर आपके मन में क्या भाव है प्रधानमंत्री के संकल्प और आज सिद्धि को लेकर? लेकिन उससे पहले कुछ गुनगुना दीजिए ना मनोज भाई। नहीं, मैं थोड़ा सा तो बनेगा, आज आज माहौल आप जानते हैं, मैं गुनगुना तो नहीं बनेगा ना भाई, थोड़ा सा मनोज भाई
पूरी अयोध्या पूरा देश आपको सुन रहा है। मैं गाता नहीं हूँ भाई, मैं अगर गाऊंगा तो मेरे रामलला क्रोधित हो जाएंगे कि माँ सरजू के तट पे बैठ के तुमने इतना बेसुरा क्यों गाया। लेकिन एक चीज साथियों मैं जरूर कहूंगा कि जन्म जन्म की खोज बताएं, जन्म जन्म की खोज बताएं, राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। आप गाएं मेरे साथ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अच्छा हम पूछे अमन भाई, अमन ये तो बगल के ही है, चौहद्दी इनकी लगती है प्रभु श्री राम की नगरी से, रायबरेली की बहुत दूर नहीं है और हम आजमगढ़ के बहुत दूर नहीं है, बीच में अयोध्या हमारे आपके। लेकिन एक बात ऐसी है, पिछले कई दशकों से हिंदुत्व और हिंदू धर्म सनातन धर्म इसको अलग अलग करके देखने की बातें कही जाती है, परिभाषा दी जाती है। आप नेताओं की बात करें वो कहते हैं जो हिंदुत्व है वो हिंदू धर्म का नहीं है। आप एक लेखक हैं, विचारक हैं, आप जरा बताइए हिंदुत्व और हिंदू धर्म में क्या फर्क। हिंदुत्व तो मैं समझता हूं इस देश में नागरिकता है, सिटीजनशिप, जो भी भारत की धरती पे है वो बड़े सम्मान से, मैं कह रहा हूं वो बाइबल पढ़े वो कुरान पढ़े लेकिन वो है हिंदू ही। मतलब धर्म की पद्धति पूजा करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन आप सभी हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं, सिटीजनशिप, हाँ ये नई बात है, नई बात नागरिकता है। और जो ये कहा जाता है ना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र, अरे हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, हिंदू राष्ट्र है ये, क्या बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। अच्छा मनोज भाई अब मैं आ जाता हूँ पॉइंट पर, प्रधानमंत्री ये बार बार सवाल उठता है कि देश सेक्युलर है, सवाल सुनिएगा, देश सेक्युलर है धर्म निरपेक्ष है, तो एक धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम में किसी देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी देश के सेक्युलर फैब्रिक के लिए ठीक नहीं है, धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम में मौजूदगी। मनोज मंत्री से एक तो जो मोदी सेकुलर, जी को नहीं आना चाहिए। एक तो जो सेकुलर शब्द है मैं समझता हूँ ये बहुत बुरी तरह से प्रचारित किया गया है और गलत तरीके से आपको समझाया गया है। मनोज मुंतशिर सेकुलर नहीं है, ये बात मैं खुलेआम आपके मंच पे कह रहा हूँ, मैं सेकुलर नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। सेकुलर होना मेरा काम नहीं है, सरकार का काम है। जब आप सेकुलर कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब सरकार कोई नीति बनाए, सरकार कोई पॉलिसी बनाए तो उसका फायदा सबको है। मेरी आपसे थोड़ी नाइत्तेफाकी है, मुझे लगता है हिंदू से ज्यादा कोई सेकुलर हो ही नहीं सकता। अरे वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पे चलते हैं हम, वही मैं सर्वे सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया हम मानते हैं, तो हिंदू से ज्यादा कोई सेकुलर हो ही नहीं सकता। जो सेकुलर है वो हिंदू है और जो हिंदू है वो सेकुलर है। आपने कहा मैं हिंदू हूँ लेकिन सेकुलर नहीं, नहीं सेकुलर नहीं हूँ मैं, हिंदू सेकुलर नहीं होता, हिंदू हिंदू होता है। और हिंदू आप सूडो सेकुलर कह दीजिए, आप छद्म धर्म निरपेक्ष कह दीजिए, क्योंकि असली सेकुलरिज्म राम मंदिर है। यार यार अमन एक बात बताइए, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी जी ने ये क्यों नहीं कहा कि गर्व से कहो हम सेकुलर हैं। सेकुलर होना जरूरी नहीं है, अगर आप हिंदू हैं तो आपके अंदर हिंदुत्व जो आपकी नसों में है वही आपको बहुत बड़ा आकाश देता है, बहुत बड़ी सोच देता है। आज भगवान राम की जन्मभूमि में खड़े होके अमन आपके चैनल पे हिंदुत्व की परिभाषा बता रहा हूं, पूरी दुनिया नोट कर ले, जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम, जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम, सारी दुनिया को वतन कहते हैं हिंदू हैं हम। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, कभी हमने अपना पराया न जाना, किसी से कभी द्वेष रखा न माना, शरण में अगर शत्रु भी चल के आया तो आता है हमको गले से लगाना। अच्छा न आप... देखा कोई देश भारत के जैसा, दिया लेके हम पूरी दुनिया में घूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, भारत माता की वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम। अच्छा मनोज भाई फिर वही सवाल लेकर आ रहा हूँ, मोदी जी की मौजूदगी उस पर बड़ी आपत्ति है, और मोदी जी का अनुष्ठान महाअनुष्ठान महासंकल्प
चौकी पर कंबल बिछाकर सोना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प और 22 जनवरी वाली सिद्धि, इस पर आपके विचार? आपत्ति इस बात पे है कि इस देश को पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो गौरव से अपने आप को हिंदू कहता है। इस देश को पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सूडो सेकुलर, जैसा कि आपने कहा, उसमें विश्वास नहीं रखता। इस देश को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो गर्व से भगवान श्री राम का नाम लेता है। इस देश को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो भगवान राम के आचरण पर चलता है। इस देश को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो राजनीति बाद में करता है, पहले राम नीति करता है। इस पे आता आपत्ति है। आपत्ति इस चीज पर होती है कि बताओ, प्रधानमंत्री उनको अपने धर्म का प्रकटीकरण इतना खुलकर नहीं करना चाहिए। वैसे तो ऋषि सुनक वो अपने धर्म को अपनी स्लीव पर पहन, मतलब जिस तरह ऋषि सुनक है, पहली बार संभव था, पहले तो मंदिर जाने को कम्युनल बता दिया जाता था, लेकिन आज एक प्रधानमंत्री के तौर पर क्या उनको अपनी आस्था का इतनी खुलकर प्रकटीकरण करना गलत या सही? मनोज मंत्री, सवाल ये है, क्या आज तक प्रधानमंत्री जी ने किसी और धर्म, किसी और संप्रदाय, किसी और वर्ग के विरुद्ध कुछ किया? अगर मैं किसी संप्रदाय, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हूं, तो मुझे अपने हिंदुत्व को प्रकट करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। वो प्रधानमंत्री बाद में है, पहले श्री नरेंद्र मोदी हैं, पहले भारत के नागरिक हैं और पहले हिंदू हैं। नहीं तो फिर यहां आने में प्रॉब्लम क्यों होती है अपोजिशन को? अपोजिशन को अयोध्या को दूर से राम राम क्यों? मनोज भाई, क्या है यहां की सरयू में, क्या है मां अयोध्या में, अयोध्या जी में क्या है, क्या क्यों यहां आने में प्रॉब्लम जो हो रही है ना, वो उनकी गलती नहीं है बेचारों की, आप लोगों की गलती है। जब आप सवेरे उठ के पढ़ेंगे हनुमान चालीसा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो कैसे आएंगे भूत पिशाच यहाँ? अच्छा, राहुल एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। राहुल आइए, अरुण से माइक लीजिए। हाँ राहुल, पूछिए भाई। हेलो मनोज भाई, नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। कल मैं यही सरयू के किनारे बैठा हुआ था, वाह, में दो लाइनें आई, सब राम का रंग है, सब राम का ढंग है, सब राम का रंग है, सब राम का ढंग है, राम के हाथ डोरी, राम की ही पतंग है। क्या बात है। तो क्या आपको लगता है कि 22 जनवरी के बाद भारत राम नाम की डोरी से बंधी एक ऐसी पतंग के तौर पर अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है जिसे रोकना शायद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होने वाला? देखिए, जब से वैसे आपको बता दूं मनोज भाई, राहुल जो है मेरे प्रोड्यूसर, मेरा शो राहुल ही बनाते हैं देश में। क्या बात है राहुल, बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत अच्छा शो बनाते हैं आप। आपका शो मैं निरंतर देखता हूं और पूरा देश देखता है। आपकी जो टीआरपी है, रेटिंग है, वो हम सबको पता है, जनता की टीआरपी है भाई। हाँ बताइए, हाँ बताइए। देखिए, जब से हमने ये संकल्प लिया, 2019 की बात है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो अयोध्या का किनारा है, सरजू का किनारा, ये किसी आबर बाबर डाबर गाजर की मस्जिद नहीं, ये श्री राम की जन्मभूमि है। 2019 में ये बात सामने आई, ये संकल्प हुआ कि मंदिर बनेगा। उसके बाद देश कहां गया? हम दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल। और 2029 का टारगेट है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 2028 तक हम $5 trillion की इकोनॉमी बन जाएंगे। बिल्कुल। हम कहां पहुंच रहे हैं, राम का देश कहां जा रहा है? दुनिया वालों, जितना जोर है लगाओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। हम 75 साल पहले नहीं रुके, जब जमीन में रेंग रहे थे, घुटनों पे घिसट रहे थे, अब क्या रुकेंगे? अब तो हमने पंख उगा लिए हैं और सैकड़ों आसमान कंधे पे उठा लिए हैं। फिर भी मुकाबला करना चाहते हो तो मैदान में आओ, हम राम प्रेमियों को रोक के दिखाओ। नहीं, वो कहते हैं अस्पताल बना देते भाई, मनोज भाई, वो कहते हैं अस्पताल, मंदिर बना दिया, मंदिर पर पूरा देश अटक गया है। कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा, मैं बयान बताता हूँ आपको, सारे कांग्रेस के नेता, सबका ये कहना है कि अस्पताल बन, उसको सुना आपने, तेजस्वी जी को सुना कि भाई जब बीमार होंगे तो मंदिर थोड़ी ना जाएंगे, अस्पताल जाएंगे ना। तो उन लोगों को मनोज मुंतशिर का जवाब जो कहते हैं कि मंदिर क्यों, अस्पताल बना देते, स्कूल बना देते। एक तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तेजस्वी जी ने कितने अस्पताल अब तक बनवाए हैं, मुझे जरा उनकी आप गिनती बताएं। और दूसरी बात, इस देश में अस्पताल बनवाने के लिए जगहों की कमी है, स्थानों की कमी है, प्रॉपर्टीज की कमी है, हाँ, जमीनों की कमी है। जन्म स्थान पर ही बनाना है, जन्म स्थान पर ही आपको बनवाना है अस्पताल। अच्छा, जैसे हाँ, जैसे आपको बीमार अगर आप हैं तो आपको अस्पताल की जरूरत होती है, ये दैहिक भौतिक बीमारी की बात हो रही है, लेकिन जो आत्मा आपकी है वो कैसे शुद्ध होगी, वो कैसे स्वस्थ होगी? जब आप मंदिरों में आएंगे, जब आप राम मंदिर में आएंगे, तो ये भी अस्पताल ही है, ये आत्मा का चिकित्सालय ही है, आत्मा का चिकित्सालय है। लेकिन जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे? पीछे मुड़कर देखिए भाई, कौन आ रहे हैं आपके बीच? कन्हैया मित्तल जी,
मैं चाहूंगा कन्हैया अमन जी, कन्हैया जी अमन तब से कह रहे थे मनोज मुंशी भाई बैठ जाइए भाई बैठ जाइए बैठ जाइए, सिर्फ लेखक हूँ गायक नहीं हूँ, अब हम गायक भी ले आए। ये देखिए कन्हैया बाबू आ जाइए, नो गाना सुनाते हुए आएंगे एंट्री, गाना सुनाते हुए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो और मथुरा भी सजाएंगे। मथुरा सजाएंगे कि नहीं सजाएंगे? जब हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे तो राम मंदिर का फैसला आया, अब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी आ गई तो मथुरा तो सजा कर जाएंगे। तो घनश्याम कृपा कर दो और मथुरा भी सजाएंगे। और मनोज भाई के लिए खास कर ये बात, ऊपर से नहीं है राम अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम अंदर से राम के हैं, बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं, बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। और ये जो लोग मारते हैं हिंदुओं को, भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे, हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करे, हम कोई यादव जाट कोई बढ़िया ब्राह्मण नहीं, हम सब सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे, इसलिए कोई जाति नहीं सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म। लेकिन कन्हैया भाई आपत्ति है? आपत्ति नहीं, मतलब कुछ लोगों को एतराज हो सकता है मंच पर आते ही, अयोध्या के साथ साथ आज आपने काशी मथुरा का भी ऐलान कर दिया। देखिए काशी जिस मंदिर में जाने के लिए हमें सोचना पड़ता था, गलियां छोटी होती थी और गंगा जल लाकर हमें 6.5 किलोमीटर से घूमकर काशी विश्वनाथ को अर्पित करनी पड़ती थी। देश के ऐसे प्रधानमंत्री आए, अब 6.5 किलोमीटर नहीं सिर्फ 65 मीटर से ही हम राम जी के भोलेनाथ को हम गंगा जी लाकर उन पर अभिषेक कर सकते हैं। काशी सजाई हमने और मथुरा सजाने की तैयारी है। पहले हम कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, अब हम कहते हैं रामलला हम आएंगे अब अयोध्या से मथुरा जाएंगे। लेकिन मनोज भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये नहीं लगता यही सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी पहचान है कि सिर्फ अयोध्या काशी सिर्फ मथुरा सिर्फ 3 की बात की जा रही है, बाकियों की तो बात की ही नहीं जा रही, यही सबसे बड़ा सेकुलरिज्म है और यही हिंदू धर्म की शायद संभवता उदारता है, वरना तो लिस्ट बहुत लंबी जाती है भाई। एक जमाने में कहते थे कि 3 नहीं तो 3000, नहीं बचेगी एक भी मजार, ऐसा भी कहते थे। हम नहीं कहते हैं हमें सिर्फ 3 चाहिए, सिर्फ 3, आप हमें प्यार से सर झुका के भाई मान के गले लगा के कन्हैया बाबू 3 दे दो यार, 3 ही तो मांग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ना हमने कभी मंदिर दुनिया के अंदर चर्च बनी किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनी, बिल्कुल गुरुद्वारा बना किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बना, क्यों हमारा मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बनाई गई, तो जो हमसे छीन ली गई हम वो वापस वहीं पर जो जैसा था वैसा कर रहे हैं। ये 3 का सवाल नहीं है, जहां नहीं खुदा है वहां भी खुदाई होगी साहब। और यार अमन कहां मंदिर मांग रहे हैं हम, अयोध्या में मांग रहे हैं, मथुरा में मांग रहे हैं, काशी में मांग रहे हैं, अयोध्या में तो मिल गया, मिल गया, काबुल में थोड़ी मांग रहे हैं, मक्का में थोड़ी मांग रहे हैं, मदीना में थोड़ी मांग रहे हैं, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, क्या बात है, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंहार किए, कोई बतलाए काबुल जाकर मैंने कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, जय श्री राम। मनोज भाई रग रग हिंदू कुछ समय पहले रामद्रोही घोषित कर दिया था आपको हिंदुओं ने, अभी अभी कुछ समय पहले हिंदुओं ने नहीं किया था, एजेंडा धारियों ने किया था, एजेंडा जीवियों ने किया था, बाकी सबको पता है कि भाई ठीक है बालक है मेहनत कर रहा है लगा हुआ है, थोड़ी बहुत गलती राइट लेफ्ट हो गई अच्छी बात है, लेकिन फिर से राम के पथ पे। दिल के सबसे करीब कन्हैया भाई आपके, मनोज भाई आपके, पहले कन्हैया भाई आपके दिल के सबसे करीब वो भजन वो पंक्तियां जो आज आप सुनाना चाहें, प्रभु राम को समर्पित, रामलला को समर्पित
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को समर्पित। कन्हैया मित्तल जी, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका, जो भूल हुई हमसे क्या बात है हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका, बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, मोदी और योगी ने मंदिर को जोड़ा, आए भगवा धारी है मंदिर की तैयारी है, आए भगवा धारी है मंदिर की तैयारी है, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। आपके चैनल के माध्यम से मैं दुनिया से पूछना चाहता हूँ, और यहाँ जो साधु संत बैठे हैं वो भी जोर से जवाब देना, सीता माता के विवाह के बाद उन्हें वनवास मिला, क्या महल मिल पाया? रावण हर के ले गया, क्या महल मिल पाया? जब राजा राम जीत कर आए वापस महल मिल पाया? भगवान वाल्मीकि के आश्रम चली गई, क्या महल मिल पाया? दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, क्या महल मिल पाया? धरती से उपजी सीता धरती में समा गई, जो काम त्रेता में नहीं हुआ वो काम कलयुग में होने जा रहा है। महाराजा राम के साथ महारानी सीता का भी हम स्वागत करते हैं। आपका महल कोई बना नहीं पाया, आपका ये प्रेम कोई ले नहीं पाया। अब मेरी आधी आधी लाइन के बाद जय श्री राम होना चाहिए अगर बात सच हो तो। अब राज तिलक होगा उत्सव ये बड़ा होगा, सारा भारत मेरा अयोध्या में खड़ा होगा, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ। कन्हैया भाई, आप गाना गा रहे हैं, वो बुजुर्ग जो जमीन पर बैठकर आपको सुन रहे हैं, पर उनके जरूर बात करूंगा मैं। मेरे ख्याल से उनकी मन की अनुभूति क्या है, उनके चेहरे को देखकर नजर आ रहा है उनकी आंखें थोड़ी नम है, क्या अनुभूति है, क्या लग रहा है आप जमीन पर बैठकर? जमीन पर बैठकर के मुझको तो ऐसे लग रहा है कि ये जो कलयुग नहीं है ये स्वर्ग आ गया है, ये भगवान की कृपा हो गई बहुत बड़ी, और जो सरयू मैया थी उन सबको ही निर्मल को इस पाप को धो करके पवित्र कर दिया है। बोले सरयू मैया की जय, श्री राम जय, गुरुदेव भगवान की जय। स्वप्न लगता है ये, सपने लग रहा है हमारे गुरुदेव ने नहा, ये कल्प दृश्य जो है वहाँ गंगा स्नान नहीं कर पाया, उसी में लगे रहे जीवन पूरा जीवन। हाँ पूरा जीवन हमारे गुरुदेव, छोटी छावनी श्री श्री 108 गोपाल दास जी महाराज जो स्वामी दास, हम उनके इसी में सभी उपसव हो गया है। कैसे हो गया कि जैसे धरती से माता सीता जी आ गई हो और खीर खा करके परमात्म गुरुदेव ने जन्म दे दिया हो, गए जय जय श्री राम। लेकिन मनोज भाई, ये जो उत्सव है, उमंग है, उत्साह है, जो कन्हैया मित्तल ने बोला कि राम का स्वागत महल में अब किया जा रहा है, बहुत समय लग गया, लेकिन अफसोस होता है कभी 500 साल। मैं आया अयोध्या, जब मैं दर्शन करने गया, मैं वो पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, सीखचों के बीच में, मतलब ऐसा लगता था प्रभु राम जेल में है, ऐसा पूरा 3 लेयर सिक्योरिटी, पुलिस वाले, कमांडो, CRPF, पतली पतली सीखचों के बीच से आप निकलेंगे, दूर टेंट में प्रभु राम वहां पर रखे हुए हैं, बारिश हो रही है, क्या हो रहा है। बुरा लगता है कि 70 साल 500 साल हमको लग गए, कहने को हिंदू राष्ट्र, लेकिन लग गए 70 साल 500 साल प्रभु राम को अपना घर देने में हम लोगों को, बुरा लगता है। 134 साल अगर मैं बताऊं गिन के, तो 1895 में पहला मुकदमा दायर हुआ था इस बात के लिए कि ये श्री राम जन्मभूमि है, यहाँ मंदिर बनना चाहिए, 1895,
और 2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हाँ मंदिर बनना चाहिए। 134 साल हम इस देश में श्री राम के देश में ये सिद्ध करते रहे कि भैया पहले त्रेता आया था कि पहले कलयुग आया था, हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले राम आए थे कि पहले बाबर आए थे, पहले वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी कि पहले बाबर नामा लिखा गया था, पहले अयोध्या बसी थी कि पहले समरकंद और फरगाना बसा था। 134 साल ये वेदना कभी कम नहीं होगी अमन। हमने मंदिर बना लिया, आज हम हर्ष से मरे खुशी के पागल हैं, लेकिन ये पीड़ा हमेशा रहेगी कि हम किन लोगों को चुन के राजनीति में आए, किन के हाथों में हमने भारत की बागडोर सौंपी, जिन्होंने हमें इतनी लंबी प्रतीक्षा करवा दी भगवान श्री राम के आगमन का दर्शन करने। लेकिन आज भी आपके शब्दों में ग्लोरीफाइड डकैतों के कई प्रेमी हैं, आज भी कई लोगों के मन में पीड़ा है, प्राण प्रतिष्ठा की पीड़ा है। जिन लोगों के मन में प्राण प्रतिष्ठा की पीड़ा है, भगवान उन पे कृपा करें। मैं ये समझता हूँ कि जो देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह की जो परिभाषाएं हैं, उन सब पे वो व्यक्ति खरा उतरता है जो राम का नहीं है। अब वो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, अब वो देवद्रोह हो जाएगा। अच्छा चलिए, मुझे ब्रेक का टाइम है, लेकिन एक बार जाते जाते कन्हैया भाई आई, लेकिन अब आप कुछ पंक्तियां जो आपके दिल के करीब है, मैं गाने को नहीं कह रहा आपको, लेकिन कुछ पंक्तियां आप इतना लिखते हैं, मैं कह रहा हूँ प्रभु राम को लेकर जितना टॉप में 10 है वो सब आपने लिखी है। नील तो, गगन से सांवले कोटि सूर्य सा तेज, छवि देखिए श्री राम की। नील गगन से सांवरे कोटि सूर्य सा तेज, नारायण तज आए हैं शेष नाग की सेज, राघव राघव करते थे युग युग से दिन रैन, आज प्रभु ने दरस दिया धन्य हुए हैं। एक और, मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कन्हैया भाई, जो नहीं आ रहे वो आएंगे एक दिन, जो नहीं आ रहे वो आएंगे एक दिन, प्रभु राम उनको बुलाएंगे एक दिन, नहीं आ रहे जो वो आएंगे एक दिन, कभी राम उन्होंने पुकारा नहीं था इसीलिए राम ने पुकारा नहीं है, जो गाते नहीं थे वो गाएंगे एक दिन, नहीं आ रहे जो वो आएंगे एक दिन। कोई कितना भी कह दे कि मैं सनातनी हूँ और कितना भी ढोंग कर ले सनातनी होने का, ये सच्चे सनातनी है देश के अंदर जो ढोंगियों को पहचान ही जाएंगे, और कितना ही बड़ा नास्तिक क्यों ना हो जो कहता हूं मैं राम को नहीं भजता, उसको कहना मत भज, जब मरेगा ना चार लोगों ने उठाया होगा तब भी तेरे कान में राम की आवाज डाली जाएगी, बिना राम के गति नहीं होने वाली। ऐसे 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 सनातनियों के लिए एक शब्द होता है, इस्तेमाल कीजिएगा आगे, इच्छाधारी सनातनी। इच्छाधारी हिंदू कह सकते हैं उन लोगों को आप। जाते जाते मनोज भाई आखिरी कोई संदेश लगा गए अभी अभी लिखा है, लगा गए मेरे देश को बीमारी, ऐसे ही सनातनी इच्छाधारी, सनातनी इच्छाधारी। मनोज भाई 22 जनवरी का मतलब आपके लिए आखिरी, मुझे वाइंड अप करना है। 22 जनवरी का मतलब, 22 चंपत राय ने मुझे बताया सांस्कृतिक स्वाधीनता का दिन।